गौ रक्षा दल के जिला अध्यक्ष ने पत्नी सहित लगवाई वैक्सीन की दूसरी डोज। जी हां, यूपी के औरैया जिले के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेला में समाज सेवी व गौ रक्षा दल के जिला अध्यक्ष व पत्रकार संजू कुमार शुक्ला ने अपनी पत्नी ममता शुक्ला के साथ वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाया और उनके द्वारा लोगों को संदेश दिया गया कि वैक्सीन लगवाना सबका परम कर्तव्य है। वैक्सीन लगवाने से किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती है और जो लोग भ्रम फैला रहे हैं कि उनसे मेरा निवेदन है कि भ्रम न फैलाएं, स्वयं बचे और दूसरों को वैक्सीन लगवाने के लिए सलाह दें। भारत में बनी वैक्सीन लाभकारी है और किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है। देखिए संजीव कुमार शुक्ला की रिपोर्ट। शुक्ला जी, जी आप इस बेला के जिम्मेदार नागरिक हैं जी। आप पत्रकार भी हैं, आप गौरक्षा सेवा समिति के अध्यक्ष भी हैं। इस समय लोग जो है वैक्सीन के प्रति जो दिग्भ्रमित हैं, उन्हें आप कैसे जागरूक कर रहे हैं और आज आपने दूसरा डोज लिया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, सर्वप्रथम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औरैया में जितने भी हमारे डॉक्टर एएनएम फार्मासिस्ट या ये स्वास्थ्य विभाग के सबसे पहले टीका लगा, टीकाकरण हुआ, इसके बाद पुलिस वालों को लगा, इसके बाद फिर 45 वर्ष या 45 वर्ष से अधिक के लोगों को का टीकाकरण हुआ और आज हमारे दूसरा डोज लगा हुआ है। मुझे आज तक कोई तकलीफ नहीं हुई है और जो लोग भ्रम में पैदा कर रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने से बुखार आ जाता है और लोग घबराते हैं कि नुकसान करती है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। वैक्सीन भारत में बनी बहुत अच्छी वैक्सीन है, इसे हर व्यक्ति को लगवाना चाहिए। वैक्सीन लगने के बाद किसी भी प्रकार का कोविड-19 के अंतर्गत उसे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा और हम तो गांव-गांव जाकर के संदेश भी देते हैं, पेपर ले जाते हैं, लोगों से कहते हैं भैया मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है बेला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना की वैक्सीन लग रही है, आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि वैक्सीन लगवा लें और अपने को सुरक्षित रखें, सोशल डिस्टेंसन का पूर्णतया पालन करें, मास्क लगाएं, दूरी बनाएं और बिना कार के घर से बाहर ना निकलें। और भ्रम में जो लोग पड़े हुए हैं तो उनका जीवन फिर भ्रम में चला जाएगा। मेरा तो कहना यह है कि वैक्सीन आकर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेला में लगवा लें, किसी को खांसी या जुकाम है तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विधुना में डॉक्टर हमारे वीपी शाक्या के निर्देशन में वहां पर कोरोना के टीके लग रहे हैं, कोरोना की जांच हो रही है, निशुल्क जांच हो रही है, लोग करवाएं, उसका फायदा उठाएं। धन्यवाद।